रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज रथ यात्रा है और ऐसे में जगन्नाथपुर मंदिर में अब से कुछ ही देर में रथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो भक्त है वो रथ को खींचेंगे और ऐसे में 7 दिनों तक जो है भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन जो है सुभद्रा के साथ मौसीबाड़ी जाएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर के बाहर जो है रथ दिख रहा है और यहाँ पर भगवान विष्णु का जाप जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं पूजा पर बैठ गए हैं और अब से थोड़ी देर में रथ को खींचा जाएगा और ऐसे में देख सकते हैं कि तमाम भक्त जो हैं वो पहुँच गए हैं और बड़े ही आस्था के साथ जो है यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान विष्णु का जाप कर रहे हैं। और ऐसे में जो है अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल पहुँचेंगे यहाँ पर और रथ जो है वो खींचा जाएगा और जो है भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जो है मौसीबाड़ी जाएंगे। अगर बात करें रथ की तो आप देख सकते हैं कि रथ में पूजा अर्चना शुरू हो गई है और बड़े ही आस्था के साथ यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम भक्तगण जो है वो पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही पलों में, कुछ ही देरों में जो है यहाँ से रथ को खींचा जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम भक्त पहुँचे हुए हैं, काफ़ी भीड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है और काफ़ी आस्था के साथ यहाँ जो है कई सालों से यहाँ पर पूजा होती है और ऐसे में तमाम महिला भक्त की बात करें, पुरुष भक्त की बात करें, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरीके से आज रथ यात्रा है, यह रथ यात्रा के पहले जो है पूजा अर्चना और यहाँ पर संकल्प पाठ जो है वो किया जा रहा है और जो तैयारी है वो आप साफ देख सकते हैं। अगर बात करें सुरक्षा की तो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पहुँचे हैं। यहाँ पर संकल्प पाठ हो रहा है, क्या कुछ होता है पाठ? हाँ, सहस्त्र नाम पाठ होता है संकल्प करने के बाद, विष्णु सहस्त्र नाम। और कितने कितना जाप किया जाता है यहाँ पर, कैसे जाप किया? 1008 तो 1008 जाप जो है वो किया जाता है और ऐसे में जो है अब से कुछ ही देर में रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। रथ को तमाम श्रद्धालु खींचेंगे और मौसीबाड़ी तक ये रथ जो है वो पहुंचेगा। सभी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।